नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं, वो भी एग्जांपल से। हम ना तो ऐसे वैसे आपको बहुत सारे लेक्चर देंगे, डायरेक्ट हम आपको वैसे स्टॉक्स पर ले जाएंगे जिस स्टॉक ने 5 साल में लोगों को करोड़पति बनाया है। अगर उसमें 1-2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता कोई भी, मतलब जिन्होंने भी किया है उन्होंने उससे एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि कैसे एक स्टॉक ने 5 साल में इन्वेस्टर को करोड़पति बनाया है। ऐसे ही स्टॉक आपको भी ढूंढना है, ऐसे ही स्टॉक हम इस चैनल पर आपको बताते रहते हैं कि कौन से वैसे स्टॉक है जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें क्षमता है आपको अगले 5 साल में, जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट अपने स्टॉक्स पे आए हैं जिस स्टॉक ने डिलीवर किया है 5 साल में एक मल्टी बैगर रिटर्न, और इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न कि अगर आप 2 लाख रुपया भी इन्वेस्ट किए होते तो आपका आज इन्वेस्टमेंट आपका करोड़ों का रिटर्न देता। तो वो कैसे, आप डायरेक्ट चार्ट पर देखते हैं, आप देख सकते हैं कि आज भी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है 5% की तेजी। 5 डेज में देख लीजिए तो भी इसमें आपको तेजी देखने मिलेगा। 5 डेज में आप देख सकते हैं 15% की तेजी। 1 मंथ में देख लीजिए तो भी आपको इसमें देख सकते हैं अप ट्रेंड ही दिखेगा। मतलब जब भी देखिए इस स्टॉक का चार्ट, आप 5 साल में आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा। मात्र 1 महीना में ये दिया है 100% का रिटर्न। 6 मंथ में देख लीजिए तो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा। 6 मंथ में 287% का रिटर्न 6 मंथ में। देखते जाइए आप, सिर्फ आप देख लीजिए आप ईयर टिल डेट में, ईयर टिल डेट में 331% का रिटर्न। इस स्टॉक में पैंडमिक सिचुएशन में भी गिरावट जो वो आया था, ये देखते हैं 100 रुपीज का स्टॉक था तो ये 62 रुपीज तक आया था, वहां से फिर से ये काफ़ी तेजी पकड़ा और अभी आप देख सकते हैं ये 388 रुपीज पास का है, जो हमारा गिरावट आया था मार्च महीने में। वहाँ से आप 1 साल में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी पॉजिटिव रिटर्न। मतलब 5 ईयर्स में तो एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न, आप यहां से देख लीजिए 5 ईयर्स में कितना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न है। तो यहां से आपको दिखा देते हैं 5,863%, आप देख लीजिए 6,000 के आसपास का मल्टी बैगर रिटर्न। तो आप ऐड कर लीजिए, अगर आप इसमें 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किए रहते तो आपका जो रिटर्न होता इस पर, 2 लाख रुपया रिटर्न इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो आपका रिटर्न होता 1,16,00,000। मात्र 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट 1,16,00,000 होता कोई भी 2015 में कभी भी इन्वेस्ट किया होता। 2015 में तो कभी भी वो इन्वेस्ट कर दिया जाता 2015 में, चाहे नीचे की गिरावट पे प्राइस पे, गिरावट वाले प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहता तो और ज़्यादा रिटर्न होता। अगर आप किसी भी प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहते तो आपका रिटर्न जो अभी प्राप्त होता वो 1,16,00,000 रुपीज। तो दोस्तों ये एक पैनी स्टॉक्स हुआ करता था, लोग कहेगा पैनी स्टॉक्स में कैसे उतना इन्वेस्ट कर दे, तो आप देख सकते हैं 2015 में ये 7 रुपीज का स्टॉक्स हुआ करता था। तो इस सेक्टर के सारे स्टॉक उस समय अंडर परफॉर्म थे। तो ये सेक्टर है केमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर आप जानते हैं आरती इंडस्ट्री एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो इस समय जो है 2015 में जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में आना शुरू ही हुआ था, और ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, प्रॉफिटेबल कंपनी थी। तो चलिए हम इसके आपको 16 के जो 2016 का प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे कि देखिए कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल थी, कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रही थी। तो ऐसे ही स्टॉक को आपको चुनना है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप पैनी स्टॉक भी चुनते हैं तो। हमने भी एक पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, उसे मैंने 10 रुपीज से 35 रुपीज जाते हुए देखा है, फार्मा सेक्टर का वो स्टॉक है। तो हमने उसे 1 साल पहले ही 35 रुपीज के आसपास ही इन्वेस्ट किया था, वो गिर करके 10 रुपीज पे आया था और अभी वो 40 रुपीज फिर से जा चुका है। तो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उसमें गिरावट तो होगा लेकिन रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी। तो इसके फंडामेंटल्स को चलिए जान लेते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है उसके बारे में जानने से क्या फायदा, आगे जो मल्टी बैगर रिटर्न देगा उसे बताइए। तो वो उसे आपको खोजना है, क्या पैरामीटर्स है कि एक पैनी स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, ये आपको ढूंढना है। आप कहेंगे आप आरकॉम मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो ये संभव नहीं। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लेने से वो अपना एसर्ट बेच रहा है तो उससे आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकता है। वो 1 रुपीज से 1,000 रुपीज नहीं जा सकता, 1 रुपीज से वो शेयर जो है 500 रुपीज नहीं जा सकता। लेकिन आपने ये स्टॉक देखा कि ये 7 रुपीज से 388 पे जा चुका और लगातार 5% हर डे 5% से ये इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी
पर डेप्ट का बर्डन नहीं है और कंपनी लगातार प्रॉफिट मेक कर रही है और उसका सेक्टर जो होना चाहिए वो लगातार ग्रोइंग सेक्टर होनी चाहिए। तो केमिकल सेक्टर लगातार पिछले 5 सालों से ग्रो हो रहा है और आगे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। जिस तरह से बैकआउट चाइना हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो डिमांड जो है इंडिया के केमिकल्स का वर्ल्ड वाइड बढ़ने वाला है, तो इसलिए आप इस कंपनी में इतनी तेज़ी देख रहे हैं। तो यही सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो हम अगर हमें पता होता एकदम सर्टेन रूप से कि यही स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, तो हमारे पास भी अभी 2 लाख रुपया है, हम इन्वेस्ट कर देते इसमें अभी जो मल्टी बैगर आगे बनेगा। तो हमें भी ढूंढना है, आपको भी ढूंढना है, तो दोनों एक साथ ढूंढते हैं। ये है एजुकेशनल वीडियो, ये है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो हम जो पैरामीटर्स पे हम ढूंढ रहे हैं उसी पैरामीटर्स पे हम आपको बता रहे हैं कि आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूएशन देख लीजिए कंपनी। कंपनी बिल्कुल माइक्रो कैप है, 291 करोड़ मार्केट कैप है। पी देख सकते हैं 504 का है, पी काफ़ी हाई पी पे स्टॉक्स है। तो इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 2 करोड़ है और शेयर का प्राइस देख लीजिए 380, जबकि इंडस्ट्री का पी देखिएगा मात्र 44 है और ये काफ़ी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड देखिएगा तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है। तो पहला पैरामीटर कि कंपनी डिविडेंड पे करती हो और कंपनी डेब्ट फ्री हो, ये 2 अच्छे पैरामीटर्स हैं जिसको आपको हमेशा देखना चाहिए। तो ये 70 पैसा का डिविडेंड पे कर रही है, तो ऐसे भी आप अगर 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ के प्राइस वाले शेयर को लेते हैं और अच्छा डिविडेंड पे करती है, तो आपको 10 रुपीज़ में वो मतलब 10 ईयर्स में कुछ ईयर्स में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है डिविडेंड के रूप में ही लौटा देगी। तो ये भी बेनिफिट्स होता है मल्टी बैगर रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड का बेनिफिट्स। अब हम कॉर्पोरेट टैक्स में देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर यहाँ 77 पैसा है, डिविडेंड भी उसी के आसपास है। कॉर्पोरेट टैक्स में देखिएगा तो कंपनी डिविडेंड हमेशा पे की है, यहाँ आप देख लीजिए हर साल, एक भी वैसा साल नहीं गया है जब कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। तो यहाँ पर देखते हैं 2011 में ये जो है 10% का मतलब 1 रुपया का डिविडेंड पे करती थी, फिर काफ़ी यहाँ पर बीच में गैप हुआ, 2017 से फिर से ये डिविडेंड पे कर रही है। तो पहले भी देखते हैं कंपनी डिविडेंड पे करती थी, ये सारा चीज़ देखना है। बोनस स्प्लिट कभी नहीं हुआ है स्टॉक का। अब फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो कंपनी का फाइनेंशियल को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मार्च 2019 में 1 करोड़ 24 लाख का प्रॉफिट था कंपनी का और यहाँ पर बढ़कर हो गया 2 करोड़ 28 लाख। तो लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, आप देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी ज़्यादा जंप है। उसके बाद जो इसका एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर चाहे यहाँ पर भी रिजल्ट देखते हैं जो फाइनेंशियल था उस पर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016, 17, 18 यहाँ देख सकते हैं जो फाइनेंशियल 17 था, ये फाइनेंशियल 18 है। तो यहाँ पर 23 लाख प्रॉफिट था, यहाँ पर डायरेक्ट हो गया 52 लाख। तो देखते हैं 2 गुने से भी ज़्यादा जंप किया, इसलिए प्राइस में भी उसी रफ्तार से तेज़ी देखने मिला। तो जिस तरह से प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ कंपनी का, उसी रफ्तार से कंपनी का शेयर का प्राइस में भी ग्रोथ देखने मिला। उसके बाद आप इसके कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। थोड़ा सा कंपनी का डेब्ट है कंपनी के ऊपर, यहाँ पर रिजर्व देखिए कंपनी का लगातार रिजर्व इंक्रीज हुआ है और अब तो इंक्रीज हो करके ये 13 करोड़ हो चुका है, 13 करोड़। और नीचे आइएगा तो कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है, देख सकते हैं 3 करोड़ 52 लाख का कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है। अब नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास जो कैश और बैंक बैलेंस है 69 लाख का कैश और बैंक बैलेंस है, तो ये भी बेहतरीन है। थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेब्ट है, डेब्ट कम हो जाए पूरी तरह से जीरो तो ये 500 रुपीज़ शेयर प्राइस आराम से हो जाएगा। टोटल एसर्ट देखते हैं, यह टोटल एसर्ट कंपनी का 24 करोड़ का है। बुक वैल्यू देखिए, कंपनी का बुक वैल्यू भी काफ़ी बिल्डअप हुआ है, देखते हैं 27.74, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट हम रेशियोज देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन नहीं है। अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखिएगा तो 82 पैसा का है, जो कि काफ़ी इंक्रीज हुआ है। यहाँ से देखिए काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ है उस रफ्तार से ये इंक्रीज नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का लगभग इंक्रीज हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उस रफ्तार से इंक्रीज नहीं हुआ जिस रफ्तार से शेयर प्राइस। फिर यहाँ पर देखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट ये भी इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 0.78 से डायरेक्ट हो गया 2.17। और सबसे बेहतरीन जो बात है कंपनी का एसर्ट काफ़ी इंक्रीज हुआ, देखते हैं एसर्ट बाय लाइबिलिटीज़ का जो रेशियो है 4.21 हो गया,
तब फोर मतलब टू से अधिक हो जाए मतलब कंपनी अपने एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। अगर एक्सपेंशन पे ध्यान दे तो कंपनी के शेयर में और ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। अगर कंपनी वहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है तो और ज़्यादा मोमेंटम। तो ये था एक नया मल्टीबैगर जो कि पिछले 5 साल में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो अगर नेक्स्ट मल्टीबैगर आपको ढूंढना है तो आपको इसी सेक्टर केमिकल सेक्टर में ढूंढना है, एग्रोकेमिकल सेक्टर में ढूंढना है, फार्मा सेक्टर में ढूंढना है। देखिए ये सारे सेक्टर हैं जो आपको नया मल्टीबैगर देंगे। उसके बाद एनबीएफसी, जो एनबीएफसी है उस सेक्टर में ढूंढिए, और एएमसी सेक्टर में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें है। तो ये 4-5 सेक्टर है जिसमें आपको नया मल्टीबैगर शेयर ढूंढना है और हम भी ढूंढ रहे हैं। तो इसी सब सेक्टर में आपको नए नए मल्टीबैगर शेयर को ढूंढना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो का जो हमारा मेन मकसद था कि कोई भी पैनी स्टॉक हो उसमें भी आपको जो इन्वेस्ट करना है उसके फंडामेंटल्स को देखकर, फंडामेंटल्स पूरी तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप उसमें जा कर के ट्रैप ना हो जाएं। मतलब ट्रैप हो जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल होगा, आपका जो भी एसर्ट है, जो भी कैपिटल है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा किस तरह के पैनी स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।